हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर जी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया आप लोगों के लिए एक नया अभ्यास सेट। ये अभ्यास सेट हमारे विज्ञान विषय से संबंधित है, ठीक है। ये जो अभ्यास सेट है वो डीएलएड और बीएड दोनों में काम आने वाला है, ठीक है। क्योंकि विज्ञान के जो प्रश्न हैं वो कॉमनली डीएड बीएड में समान रूप से आते हैं, है ना। तो ये जो पार्ट है फ्रेंड्स, आप लोगों को काफ़ी मदद करेगी, है ना। और इसमें आप अंत तक बने रहिए ताकि आप पूरे प्रश्नों को अच्छे से देख पाएँ और अपना समझ बना पाएँ, और साथ ही आप अपनी तैयारी को जांच पाएँ कि आपकी तैयारी कहाँ जा रही है, ठीक। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। मैं इसमें लगभग 50 प्रश्न के आसपास प्रश्न कराने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, कोशिका का ऊर्जा गृह कहलाता है। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम या फिर हरित लवक। तो फ्रेंड्स, पहले प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, सबसे बड़ी कोशिका है। ऑप्शन है विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्म या फिर शुतुरमुर्ग का अंडा। तो फ्रेंड्स, जो सबसे बड़ी कोशिका के रूप में हमारे सामने आती वो आती है शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। ये विशाल रहती है, सबसे बड़ी कोशिका के रूप में इसको जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पादप कोशिका किसके अनुपस्थिति के कारण जंतु कोशिका से भिन्न होती है? ऑप्शन है लवक की, कोशिका भित्ति की या फिर डिक्टियोसोम की या फिर लाइसोसोम की। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति के चलते जो है, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति के कारण जंतु कोशिका से भिन्न होती है पादप कोशिका जो है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चौथा प्रश्न है, पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति निर्मित होती है। ऑप्शन है प्रोटीन्स द्वारा, वसा द्वारा, प्लाज्मा द्वारा या फिर सेल्युलोज द्वारा। तो फ्रेंड्स, चौथे प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। सेल्युलोज द्वारा जो है वो पादप कोशिकाओं की जो भित्ति निर्मित होती है वो, ठीक है, सेल्युलोज द्वारा होती है। पांचवा प्रश्न है, कोशिकीय क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। ऑप्शन है हरित लवक द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, केंद्रक द्वारा या केंद्रिका द्वारा। तो फ्रेंड्स, पाँचवें नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रक द्वारा जो हमारी जो कोशिकीय क्रियाएं हैं वो क्या होती हैं, नियंत्रित होती हैं। अगला प्रश्न है, मांसाहारी जंतुओं में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के दांत का नाम है। ऑप्शन है मोलर, केनाइन दंत, प्रीमोलर या फिर इंसिजर। तो फ्रेंड्स, छठवें नंबर का जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, केनाइन दंत, है ना। केनाइन दंत जो है वो विशेष प्रकार का दांत है जो किस में पाया जाता है, मांसाहारी जंतुओं में, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्न में से कौन सा सजीव नहीं है? ऑप्शन है अमीबा, घास या फिर कास्टी कुर्सी या डी ऑप्शन है हाथी। तो फ्रेंड्स, सेवेंथ नंबर का जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, कास्टी कुर्सी जो है वो क्या नहीं है, सजीव नहीं है, ठीक है। मतलब कास्ट लकड़ी का बना हुआ कुर्सी वो सजीव थोड़ी रहेगा फ्रेंड्स, है ना। बाकी घास में भी सजीवता रहती है, हाथी में भी रहती है, अमीबा में भी रहती है, ठीक है। सजीव मतलब जिसमें जान रहती है, है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, पौधे में पाए जाने वाले जाइलम एवं फ्लोएम हैं। पौधे में पाए जाने वाले जाइलम एवं फ्लोएम हैं। ऑप्शन है कोशिका, ऊतक, अंग तंत्र या फिर अंग। तो आठवें नंबर का जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊतक, ठीक है। पौधे में जो पाए जाने वाले जाइलम और फ्लोएम है उसको क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? ऑप्शन है अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु या फिर कौवा। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। नौवें प्रश्न का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये एक कोशिकीय जीव नहीं है, ठीक है। मतलब इसमें बहुकोशिकीय जीव है, बाकी अमीबा, जीवाणु और पैरामीशियम जो है वो एक कोशिकीय जीव है। अगला प्रश्न है, दसवें नंबर का है,
निम्न में से कौन एक अनवीकरणीय संसाधन है? ऑप्शन है जल, कृषि, जलीय जीव या फिर जीवाश्मीय ईंधन। तो फ्रेंड्स, दसवें नंबर का जो सही उत्तर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवाश्मी ईंधन जो है वो अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय मतलब जिनको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे बैटरी वगैरह को, आजकल की जो मोबाइल में जो बैटरी आती है वो रिन्यूएबल बैटरी रहती है ना, उसको फिर से डिस्पोज करके उसको फिर से बैटरी के रूप में निर्माण किया जा सकता है। लेकिन ये जो है एक बार ख़त्म हो जाएगा जीवाश्मी ईंधन जो है वो, उसको फिर पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता फ्रेंड। अगला प्रश्न है 11वें नंबर का है, पृथ्वी की सतह का ठोस भाग कहलाता है? ऑप्शन है वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल या फिर मृदा अपरदन। तो फ्रेंड्स, ये मृदा अपरदन तो आप लोगों को पता होगा, मृदा अपरदन क्या होता है, मतलब जो मिट्टी का जो कटाव होता है उसी को मृदा अपरदन बोलते हैं। लेकिन हमें क्या पूछा गया है, ठोस भाग पूछा गया है, किसका, पृथ्वी की सतह का ठोस भाग पूछा गया है ना। तो 11वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थलमंडल, ठीक है। मतलब जमीन जो है हमारा, जो ऊपरी हिस्सा है जमीन का, जो हमारी पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है उसी को स्थलमंडल के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का समुद्र से घिरा भाग है, मतलब पृथ्वी जो है वो समुद्र से कितने प्रतिशत भाग में घिरा हुआ है ये बताना है हमें। ऑप्शन है 45%, 50%, 71% या फिर 25%। तो फ्रेंड्स, 12वें नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, जो पृथ्वी का जो हिस्सा है वो समुद्र से कितना परसेंट घिरा हुआ है फ्रेंड्स, वो 71% घिरा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक नवीकरणीय संसाधन है? अभी हमने देखा अनवीकरणीय, अब हम लोग देख रहे हैं नवीकरणीय, मतलब जिसको फिर से प्राप्त किया जा सकता है। नवीकरणीय मतलब यहाँ पे रिन्यूएबल करके है ना, तो जीवाश्मी ईंधन है, प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक वनस्पति या फिर पेट्रोलियम है। तो फ्रेंड्स, 13वें नंबर का जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक वनस्पति को हम लोग फिर से प्राप्त कर सकते हैं, जबकि पेट्रोलियम जब खत्म होगी तो उसको फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे आप पेट्रोल डलवाते हैं गाड़ी में है ना, तो उसको फिर से उपयोग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। एक बार जब वो चला जाता है तो वो फिर दोबारा नहीं आता। वैसे ही प्राकृतिक गैस है ना, जैसे आप सिलेंडर वगैरह भरवाते हैं तो एक बार उपयोग करने के बाद फिर से आपको दोबारा भरवाना पड़ता है ना। लेकिन ये क्या है फ्रेंड्स, ये कम मात्रा में हमारे पर्यावरण में मौजूद है ना, उसका दोहन लगातार किया जा रहा है और एक समय ऐसा आएगा कि ये हमें मिलना बंद हो जाएगा है ना। लेकिन इसके लिए भी ऑप्शन वैज्ञानिक लोग खोज रहे हैं कि इसको, इसकी भरपाई जब ये नहीं रहेगा तो इसकी भरपाई कैसे की जा सकती है, ठीक है। इन चीज़ों के रूप में, मतलब इनके रिप्लेस में क्या चीज़ें उपयोग की जा सकती है, ये खोज में लगे हुए वैज्ञानिक लोग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन है सूर्य, पेट्रोल, डीजल या फिर बायोगैस। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, 14वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, सूर्य है। देखो फ्रेंड्स, जो पेड़ पौधे रहते हैं है ना, इवन हमारा जो शरीर रहता है वो भी ऊर्जा किससे प्राप्त करता है, सूर्य से प्राप्त करता है ना। हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में जो हड्डियाँ हैं वो कब मजबूत लगती हैं, जब उसको विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी कहाँ से मिलता है फ्रेंड्स, विटामिन डी जो अच्छा सोर्स है विटामिन डी का, वो सोर्स है फ्रेंड्स सूरज जो है ना। सूरज से ही हम लोग जब मॉर्निंग में, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग का जो धूप रहता है ना, वो जब हमारे शरीर में पड़ता है तो हमारे शरीर का जो हड्डी है वो काफ़ी मजबूत रहता है फ्रेंड्स। तो विटामिन डी जो है हमें सूर्य से प्राप्त होता है और ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यदि बर्फ को लकड़ी के बुरादे या टाट में लपेट दें तो पिघलती नहीं है क्योंकि, ऑप्शन है यह ऊष्मा का कुचालक है, यह ऊष्मा का सुचालक है, इनमें से हवा पार होती रहती है या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड देखना, हम लोगों की गांव की बात बता रहा हूँ, हमारे यहाँ जो बर्फ बिकने आती है ना, गोला वोला जो रहती है ना, जो मतलब एकदम से रगड़ के जो निकालते हैं, उसके बाद एक लकड़ी का डंडी डाल के कलर करके उसको देते हैं, तो जब वो बर्फ को लेने के लिए जाते हैं फ्रेंड्स, तो जब उधर से ले के आते हैं तो वो उसको एक बोरे में लपेट कर लेके आते हैं है ना। इसका कारण ये है फिर ये जो कारण मैं बता रहा हूँ वो इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा है ना। तो इसका कारण ये है फ्रेंड्स,
ये उष्मा का कुचालक होता है। मतलब कुचालक कहने का मतलब ये है कि जो बोरा रहता है ना, वो उष्मा को बहुत जल्दी ना अंदर आने नहीं देता है, वो जो तापमान है उसको ना बाहर ही रखा रहता है, ठीक है। इसलिए जो लकड़ी के बुरादे या टाट में लपेट देते हैं बर्फ़ को, तो वो पिघलती नहीं है, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16वें नंबर का प्रश्न है, उष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक है, ऑप्शन है सफ़ेद रंग, लाल रंग, बैंगनी रंग या फिर काला रंग। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखते हैं, जब कोई काली परत की लगी रहती है ना, जैसे सोलर कुकर वगैरह हो गए है ना, या फिर जैसे काला कलर कहीं पर घर में या फिर गाड़ी में कहीं पर भी काला कलर लगा रहता है, तो वो अवशोषित करता है उष्मा को, है ना। जबकि जो सफ़ेद रंग है फ्रेंड्स, वो उष्मा को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है ना, जो सूर्य की किरणें आती है तो उसके तापमान को फिर पुनः वापस भेज देती है। इसलिए काला रंग जो है वो उष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक माना जाता है फ्रेंड्स, काले रंग को, ठीक है। तो 16वें नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 17वें नंबर का है, उष्मा का कुचालक नहीं है, ऑप्शन है ऊन, थर्माकोल, पारा या फिर कागज। मतलब हमें क्या बताना नहीं है, बताना है फ्रेंड्स, ठीक है, कि उष्मा का जो कुचालक नहीं है ये बताना है। ऑप्शन जो दिया है उसमें से जो सही उत्तर होने वाला है फ्रेंड्स, वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। पारा जो है वो उष्मा का कुचालक नहीं है, मतलब उष्मा का ये सुचालक है, ठीक है। मतलब पारे में उष्मा जो है अच्छी गति करती है, ठीक है। बाकी जो थर्माकोल है ये कुचालक है, कागज है और ये ऊन है, ठीक है, इसमें जो उष्मा है वो अच्छे से क्रिया नहीं कर पाती है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पवन चक्की में प्रयुक्त की जाती है, ऑप्शन है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा या फिर विद्युत ऊर्जा। तो फ्रेंड्स, स्वाभाविक सी बात है कि पवन ऊर्जा जो चलती है तो उसमें जो ऊर्जा ली जाती है वो रहती है पवन ऊर्जा रहती है, ठीक है। जैसे हमारा राजस्थान वाला एरिया है, MH महाराष्ट्र वाला एरिया है, ठीक है, जहाँ पे गर्मियाँ अधिक पड़ती है ना, तो उस एरिया में बड़े बड़े मतलब ना पवन चक्की लगे हुए हैं, वो उनसे जो है वो बहुत सारे मात्रा में जो है बिजली उत्पादन किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो पवन चक्की हमारे लिए काफ़ी उपयोगी चीज़ है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऑप्शन है नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, जैव प्रक्रिया द्वारा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, सूर्य अपने आप ही ऊर्जा पैदा नहीं करता है, उसको भी किसी की ना आवश्यकता रहती है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो उसी को हमको बताना है कि सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किस वजह से होती है। तो फ्रेंड्स, उसी 19वें नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन द्वारा जो है सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम साधन है, ऑप्शन है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो कैसे, ये सी हो जाएगा, जल ऊर्जा के द्वारा ये हम लोग सर्वोत्तम रूप से जो है बिजली उत्पादित कर सकते हैं। पवन ऊर्जा में भी बिजली उत्पादन होती है ना, लेकिन जल ऊर्जा के मुकाबले कम होती है। आप लोग देखे होंगे बड़े बड़े जो बांध रहते हैं उसके नीचे में पूरा जो विद्युत ऊर्जा के लिए एक टरबाइन वगैरह लगी रहती है ना, जिससे पानी टरबाइन में पड़ती है, वो घूमते रहती है, फिर जो है विद्युत उत्पादन होते रहता है और उसको अलग अलग राज्यों में या फिर अपने राज्यों में सेल किया जाता है, ठीक है, या फिर यूज़ किया जाता है अपने राज्य में। अभी अधिकतर देखते हैं तो छत्तीसगढ़ से जो विद्युत है वो अन्य राज्यों को क्या की जा रही, सप्लाई की जा रही है फ्रेंड्स, है ना। तो विद्युत उत्पादन का जो सर्वोत्तम साधन है वो क्या है, जल ऊर्जा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्वेत प्रकाश में, ऑप्शन है श्वेत प्रकाश मतलब सफ़ेद प्रकाश है ना, श्वेत प्रकाश में ऑप्शन है तीन तरंग दैर्ध्य होती हैं, तरंग दैर्ध्य होती हैं, सात तरंग दैर्ध्य होती हैं या फिर एक तरंग दैर्ध्य होती है, अनंत तरंग दैर्ध्य होती हैं, ये बताना है हमें। तो 21वें नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब सात प्रकार के उसमें से क्या निकलती हैं, तरंग निकलती हैं श्वेत प्रकाश में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
उत्तल लेंस से समान आकार का प्रतिबिंब बनाने के लिए लेंस के मुख्य अक्ष पर वस्तु को रखना होगा। ऑप्शन है लेंस की फोकस दूरी पर, अनंत पर, लेंस की फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर, या फिर लेंस की फोकस दूरी से आधी दूरी पर। देखो उत्तल लेंस की बात की जा रही है फ्रेंड्स, है ना, तो उत्तल लेंस से समान आकार का प्रतिबिंब बनाना है हमें, है ना, तो लेंस के मुख्य अक्ष पर वस्तु को रखना होगा, तो किस स्थिति में रखना होगा ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लेंस की जो फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पे रखना होगा हमें, तभी वो क्या होगा समान आकार का प्रतिबिंब बन पाएगा उत्तल लेंस के समान। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक कांच के पानी से भरे आधे गिलास में पानी की सतह पर पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण है, आप लोगों को, आप लोग ये प्रैक्टिकल करके देखे होंगे, है ना, ये गिलास में जब पानी भरा रहता है फ्रेंड्स, है ना, तो जो पेंसिल रहती है वो ऐसी तिरछी टाइप की नज़र आती है ना, तो ये किस कारण से होता है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन है परावर्तन, विक्षेपण, अपवर्तन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 23वें नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन के कारण है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है, मतलब ये है कि जो बाल्टी है ना, जो बाल्टी है वो पानी से भरी हुई है फ्रेंड्स, है ना, लेकिन वो कम गहराई जब हम लोग देखते हैं तो एकदम उथला हुआ दिखाई पड़ता है। आप लोग अच्छे से देखे होंगे तो ये पता चल गया होगा आप लोगों को। तो ये पानी जो है पूरा तो भरा रहता है जब हम लोग यहाँ से देखते हैं, ठीक है, नज़दीक से, तो एकदम से ना कम पानी भरा हुआ है ऐसा, मतलब जो गहराई है वो कम है ऐसा नज़र आता है ना, तो इसका क्या कारण है ये हमें बताना है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन दिया हुआ है देख लीजिए, प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 24वें नंबर का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के चलते जो है वो पानी से भरी की जो पानी से भरी बाल्टी की जो गहराई है वो कम मालूम पड़ती है। सेम इसमें भी जो पेंसिल वाली प्रक्रिया है, जो क्रिया है वो काम करती है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूर्य की ओर देखने के पश्चात अन्य वस्तुएं दिखाई देती हैं, ऑप्शन है काली, श्वेत, पीली, या फिर लाल। तो फ्रेंड्स जैसे आप सूर्य को देखते हैं, एक टक देखते हैं, उसके बाद अन्य वस्तुओं को देखते हैं, तो वो आपको कैसे दिखाई पड़ती है तो वो बताना है हमें। तो 25वें नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो कैसे दिखाई पड़ती हैं, काली, मतलब आँखों के सामने एक ऐसा धुंध सा जम जाता है कि मतलब वो हमें वस्तु जो है वो काली टाइप की नज़र आती है ना, देखना प्रैक्टिकल करके देखना। या फिर जैसे धूप से आप आए रहते हैं, है ना, घर के अंदर प्रवेश करते हैं, धूप से आए रहते हैं, तो जो घर का घर के अंदर जैसे ही जाते हैं तो घर में जो अंधेरा रहता है वो मतलब ना अलग टाइप का फील होता है ना, अंधेरा अंधेरा फील होता है घर में, मतलब जैसे कोई फ्रंट में आपके आ जाएंगे तो आपको अच्छे से दिखाई नहीं पड़ेगा ऐसा फील होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है, ऑप्शन है उत्तल, अवतल, बेलनाकार, या फिर समतल। तो फ्रेंड्स आप लोग गए होंगे, है ना, दांत के डॉक्टर के पास, तो उनके वो जो दर्पण यूज़ करते हैं वो किस प्रकार का रहता है ये हमें बताना है। तो 26वें नंबर का जो सही प्रश्न हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, एक होता है लेंस होता है ना, यहाँ पर दर्पण की बात की जा रही है। ठीक है, एक अवतल लेंस होती है, एक उत्तल लेंस होती है, यहाँ पर दर्पण की बात की जा रही है फ्रेंड। ठीक है, दोनों में अंतर है ना, ध्यान रखिएगा। जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह, ऑप्शन है सात रंगों में टूट जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, या फिर अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। मतलब ये है जो प्रकाश की किरण मान लो ये आ रही आ रही आ रही आ रही है ना, और दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है ना, तो सीधा ऐसे ही पड़ रही है ना, तो वह क्या होगी ये हमें बताना है। तो ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन में जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, मतलब ये ऐसे करके परावर्तित नहीं होती। ठीक है, ये ऐसे करके परावर्तित नहीं होती, वो ऐसे पड़ती है फ्रेंड्स, तो वो ऐसे ही पढ़ के निकल जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
प्राथमिक रंग है, ऑप्शन है लाल, नीला, हरा, ऑप्शन बी है लाल, काला, श्वेत, ऑप्शन सी है सफ़ेद तथा मैजेंटा, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स 28वें नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल, नीला और हरा जो है वो प्राथमिक रंग की श्रेणी में आती है। फ्रेंड्स इन तीनों को मिला के हम लोग नया नया कलर बनाते हैं। जो पेंटर लोग रहते हैं, आप यदि उनको करीब से देखे होंगे, है ना, उनको जब पेंटिंग वगैरह करते हैं वो लोग, तो जब उनके पास कम कलर रहती है तो वो इन्हीं कलर्स का यूज़ करते हैं और फिर से नए नए कलर वो लोग ईजाद कर लेते हैं फिर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव नेत्र में 29वें नंबर का प्रश्न है, मानव नेत्र में स्पष्ट प्रतिबिंब बनने का कारण है, ऑप्शन है नेत्र लेंस का अपवर्तनांक बदलना, नेत्र लेंस की वक्रता का आवश्यकतानुसार कम या अधिक होना, ऑप्शन सी रेटिना का अपने स्थान से आगे पीछे होना, या फिर नेत्र लेंस का अपने स्थान से आगे पीछे होना। देखो फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ों को हम लोग देखते हैं तो हमारी आँखें उसको स्पष्ट रूप से देख लेती हैं। मान लेते हैं आप एप्पल को देखेंगे तो एप्पल ही दिखाई पड़ेगा, ऐसा नहीं कि वो मैंगो में परिवर्तित हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो स्पष्ट प्रतिबिंब कहने का मतलब यही है कि जो आप देखते हैं वही आपको दिखता है ना, चाहे आप पेन देखें, कागज़ देखें, चाबी देखें, पुस्तक देखें, कॉपी देखें, उसका स्पष्ट प्रतिबिंब हमारे मानव नेत्र में बनता है। तो इसका क्या कारण ये हमें बताना है। तो 29वें नंबर का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेत्र लेंस की वक्रता का आवश्यकतानुसार कम या अधिक होना, ठीक है, मानव नेत्र में स्पष्ट प्रतिबिंब बनने का कारण है। अगला प्रश्न है 30वें नंबर का है, सामान्य सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं क्योंकि, ऑप्शन है यह सरलतापूर्वक भरा जा सकता है, यह बंदरगाह के पास बनाया जाता है, जब इसमें पानी मिलाया जाता है तो यह पोर्टलैंड चट्टान के समान कठोर हो जाता है। यहाँ पे पोर्टलैंड गलत लिखा हुआ है फ्रेंड्स, है ना, ये पोर्टलैंड ऐसे लिखा जाएगा, ठीक, जैसे ऊपर में लिखा हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या बताना है, सामान्य सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं, क्यों कहते हैं ये हमें बताना है। तो फ्रेंड 30वें नंबर का जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, जब इसमें पानी मिलाया जाता है सामान्य सीमेंट में, है ना, तो यह पोर्टलैंड चट्टान के समान कठोर हो जाता है। देखो जैसे सामान्य आप जो सीमेंट लेके आते हैं फ्रेंड्स, है ना, और उसको जब आप पानी मिला के उसको छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे कठोर होना शुरू हो जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है, या फिर मैं ये एक उदाहरण दूँ, जैसे आप बोरी में भर के बोरी वाला जो सीमेंट लेके आते हैं वो काफ़ी दिन तक रुका रहता है, मान लेते हैं बिना पानी डाले, तो धीरे धीरे जब वो उपयोग उसका नहीं करते तो वो क्या हो जाता है, वो एक कठोर अवस्था में चला जाता है। फिर उसको तोड़ने, मतलब हाथ से तोड़ने से वो भी नहीं टूटता, वो उसको फिर तोड़ने के लिए वो अनुपयोगी हो जाता है, एक प्रकार से वो सीमेंट के रूप में नहीं रह पाता है ना, वो एक पत्थर, कठोर पत्थर के रूप में आ जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। 31 नंबर का प्रश्न है, पॉलीथीन किसके बहुलकीकरण द्वारा बनाया जाता है, ऑप्शन है ब्यूटाडाइन, एथिलीन, आइसोप्रीन, या फिर प्रोपाइलिन। तो फ्रेंड्स 31वें नंबर का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एथिलीन। एथिलीन की बहुलकीकरण द्वारा जो है हमारी पॉलीथीन, जो हम लोग पॉलीथीन यूज़ करते हैं ना, विभिन्न प्रकार के हैं ना, तो मेड इन चाइना वाली जो पॉलीथीन रहती है वो काफ़ी मजबूत रहती है फ्रेंड्स। तो किसके बहुलकीकरण द्वारा बनाया जाता है, एथिलीन के बहुलकीकरण द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, 31वें की तरफ, निम्न में से कौन सा तथ्य सीमेंट के लिए सत्य है, ऑप्शन है जिप्सम सीमेंट के जमने के समय को नियंत्रित करने के लिए डाला जाता है, ऑप्शन बी है सफ़ेद सीमेंट में आयरन नहीं होता, ऑप्शन सी है सीमेंट का मुख्य अवयव चूना है, या फिर उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स 32वें नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, मतलब जितना भी कथन दिया हुआ है वो सब क्या है, सत्य है। देखो जिप्सम सीमेंट जमने के समय को नियंत्रित करने के लिए डाला जाता है, मतलब एक नियत समय में सीमेंट जमे ये सोच के उसमें जिप्सम मिलाया जाता है, और सफ़ेद जो सीमेंट होता है वो उसमें आयरन नहीं होता है। ठीक है, और सीमेंट का जो मुख्य अवयव है जो चूना है, मतलब जो सीमेंट बनता है फ्रेंड्स वो चूना पत्थर से बनता है ना। हम देखते हैं अपना बलौदा बाजार जो ज़िला है छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ,
बलौदा बाजार जिला है, वो सीमेंट उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा तथ्य सीमेंट के लिए असत्य है? ऑप्शन है सीमेंट में मुक्त चूना नहीं होता, ऑप्शन बी है क्लिंकर में जिप्सम नहीं होता, ऑप्शन सी सीमेंट का जमना एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है, या फिर ऑप्शन डी है सीमेंट में CaO की अधिकता से यह जल्दी जमता है। तो फ्रेंड्स 33वें नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है कि क्लिंकर में जिप्सम नहीं होता, ये असत्य है। ठीक है, क्लिंकर में जो है वो जिप्सम होता है। ठीक, अगला प्रश्न है 34वें नंबर का है, निम्न में से कौन कपास के समान होता है? कपास के समान होता है ये हमें बताना है। ठीक, तो नायलॉन, डेक्रान, रेयान या फिर टेरिलिन। तो फ्रेंड्स कपास के समान जो होता है 34वें नंबर का प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है रेयान। ठीक है, कपास के समान होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सीमेंट का जमना उदाहरण है, ऑप्शन है ऑक्सीकारक तथा अपचयन अभिक्रिया का, ऊष्माक्षेपी क्रिया का, ऊष्माशोषी क्रिया का, या फिर उपर्युक्त सभी का। तो सीमेंट जमना किसका उदाहरण है ये हमें बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है फ्रेंड्स वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी क्रिया के कारण जो है वो सीमेंट जमता है। ठीक, देखो फ्रेंड्स मैंने इस वाले सीरीज में हर टॉपिक से प्रश्न लेने की कोशिश किया है ना। उम्मीद है आप लोगों को जब प्रश्न आप लोग देख रहे होंगे तो अलग अलग टॉपिक आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, है ना। तो आने वाला जो 2-3 वीडियो मैं अब और अपलोड करूँगा विज्ञान पाठ से ही, तो देखना उसमें भी ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है 36वें नंबर का, साबुन धोने में सहायता करता है, ऑप्शन है जल की कठोरता को हटा देते हैं, जल के घनत्व को कम कर देते हैं, जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 36वें नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब हम लोग साबुन धोते हैं ना, साबुन धोने में सहायता करता है तो जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं, इसलिए जो साबुन जो है वो धोते हैं तो वो सहायता करती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, फ्यूज तार क्या होता है ये हमें बताना है। ऑप्शन है गलनांक निम्न होता है, गलनांक उच्च होता है, गलनांक अति उच्च होता है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 37वें नंबर का जो सही प्रश्न है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर, सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गलनांक निम्न होता है। जो फ्यूज तार लगती जैसे है ना हम लोग घर में वायरिंग कराते हैं, है तो उसमें जो सर्किट लगाते हैं, ठीक, जो इलेक्ट्रिशियन आते हैं वो सर्किट वगैरह जो लगाते हैं, तो उसमें फ्यूज जो रहता है वो एक पतली सी तार डालते हैं। ठीक है, वो तार क्या करता है जब वोल्टेज ज़्यादा होता है तो वो तार क्या हो जाता है वो जल्दी से गल जाता है। ठीक है, इसीलिए गलनांक निम्न होता है फ्यूज तार का, ये बताया गया है। अगला प्रश्न है, दीवार पर सीमेंट लगाने पर उस पर कुछ दिनों के लिए नियमित रूप से पानी डालते हैं क्योंकि, ऑप्शन है सीमेंट का जमना एक ऊष्माक्षेपी क्रिया इसलिए जल ताप को कम कर देता है, ऑप्शन बी है जल वायु की ऊष्मा को अवशोषित करके जमने देता है, ऑप्शन सी है जल विच्छेदन को पूर्ण करने तथा सीमेंट के जमने में सहायक है, या फिर उपर्युक्त सभी। तो 38 नंबर का जो सही उत्तर होने वाला है फ्रेंड्स वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, जल विच्छेदन को पूर्ण करने तथा सीमेंट के जमने में सहायक है ना। लगातार जैसे हमारा घर प्लास्टर होता है फ्रेंड्स, है ना, घर प्लास्टर होता है तो लगातार कई दिनों तक हम लोग 15-20 दिनों तक उसको क्या करते हैं बोला जाए तो तराई करते हैं, है ना, मतलब उसको भिगाते रहते हैं, मतलब जब वो रोज़ ये प्रक्रिया चलती रहती है ताकि वो क्या होता है मजबूत होते जाता है, फिर हमारा दीवार जो है वो मजबूत होते जाता है फिर। ठीक है, और तराई नहीं करते हैं तो जो सीमेंट जो है वो मतलब वो कमज़ोर होने लगता है ना, उसकी जो शक्ति रहती है वो क्या होती है छीण होने लगती है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, सीमेंट की खोज किसने की, ऑप्शन है अगासिज, अल्बर्ट्स मैग्नस, या फिर जोसेफ एम्पार्डिन जानसिन, या 39वें नंबर का जो सही उत्तर फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ एम्पार्डिन ने जो है सीमेंट की खोज की है। बहुत महान थे फ्रेंड्स ये, है ना, इसकी बदौलत सीमेंट के बदौलत आज देख रहे हैं हमारे
गांव में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, है ना, बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, ठीक है। रेलवे ट्रैक में जो जो रेलवे ट्रैक में जो खम्भे लगते हैं नीचे में पटरी के नीचे, वो बनाए जा रहे हैं। तो बहुत मतलब काम की चीज़ें हैं फ्रेंड, सीमेंट जो है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सिंडर कंक्रीट, बालू प्रस्तर, या फिर चूना पत्थर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 40वें नंबर का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए है, सिंडर कंक्रीट का उपयोग किया जाता है। जब बड़ी बड़ी पुलें बनाई जाती है ना, तो एकदम मजबूत कंक्रीट को वहाँ पे उपयोग किया जाता है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोहे एवं गंधक के चूर्ण पूर्ण चूर्ण को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है वाष्पीकरण, फटकना, चुंबकीय पृथक्करण, या फिर निथारना। तो फ्रेंड्स 41 का जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा जो है वो लोहे एवं गंधक के पूर्ण चूर्ण को क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, आयोडीन तथा नमक के मिश्रण से आयोडीन को पृथक करने की विधि है? ऑप्शन है वाष्पन, निथारना, छानना, या फिर ऊर्ध्वपातन। तो फ्रेंड्स 42वें नंबर का जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऊर्ध्वपातन द्वारा जो है वो आयोडीन एवं नमक के मिश्रण को क्या किया जाता है, आयोडीन को जो पृथक किया जाता है, मतलब आयोडीन नमक का जो मिश्रण रहता है उसमें से आयोडीन को जो पृथक करने की विधि है वो ऊर्ध्वपातन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, दूध से मक्खन प्राप्त करने की विधि है अपकेंद्रण, ऊर्ध्वपातन, आश्वन, या फिर वाष्पन। तो फ्रेंड्स 43 का जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रण द्वारा जो है दूध से मक्खन को प्राप्त किया जाता है ना। मक्खन मतलब दही हो गई ना, दूध से जो दही बनती है ना, वो अपकेंद्रण द्वारा बनती है। चलते हैं अगले पर, माफ करना फ्रेंड, मक्खन मतलब दही ही होती है ना, थोड़ा सा मेरे को ना कंफ्यूजन लग रहा है, थोड़ा सा मेरे को इसका जवाब दीजिएगा। मक्खन मतलब दही ही होता है मेरे हिसाब से, तो दही, घी को मक्खन ही बोलते हैं, है ना, दही को ही मक्खन बोलते हैं, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ऑप्शन है एथेन, एथीन, प्रोपेन, या फिर ब्यूटेन। तो 44 का जो सही उत्तर होने वाला है फ्रेंड्स वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, एथीन जो है वो क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला प्रश्न है 45वें नंबर का, वे यौगिक जो जल में अविलय हो लेकिन भाप में विलय हो उनके पृथककरण की विधि है? ऑप्शन है साधारण आश्वन, प्रभाजी आश्वन, भाप आश्वन, या फिर कम दाब पर आश्वन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर सी है, भाप आश्वन द्वारा अलग किया जाता है यौगिक को जल में, मतलब जो घुलते नहीं उसको भाप के द्वारा क्या किया जाता है। क्या प्रश्न है, वे यौगिक जो जल में अविलय हो, मतलब जल में जो घुली नहीं रहते लेकिन भाप में मिल जाते हैं, है ना, भाप में मिल जाते हैं, तो उनको किस प्रकार से पृथक किया जाता है? तो भाप आश्वन द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? ऑप्शन है डायमंड, ग्रेफाइट, ओजोन, या फिर सिलिका। तो फ्रेंड्स तत्व नहीं है ये हमें बताना है। तो 46 का जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, सिलिका जो है वो तत्व नहीं है, बाकी ग्रेफाइट, डायमंड और ओजोन जो है वो तत्व है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 47 का, निम्न में से कौन यौगिक है? ऑप्शन है शर्करा को आवेशित करने के बाद बचा काला ठोस, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन सी है वायु, या फिर ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड 47 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है, ठीक। अगला प्रश्न है, गैसीय अवस्था में कण गति कर सकते हैं? ऑप्शन है केवल एक दिशा में, निश्चित पथ पर, लगभग सभी दिशाओं में, या फिर केवल ऊपर तथा नीचे की ओर। तो फ्रेंड्स 48 का जो सही उत्तर होने वाला है
वो ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, लगभग सभी दिशाओं की ओर। मतलब गैस जब रहेगी, है ना, गैसीय अवस्था में गैस जब ऊपर जाती है तो ऐसा नहीं सीधा ही जाती है ना, कोई ऊपर जाती है कोई नीचे जाती है, मतलब हवा जिस तरफ जाते जाएगी, है ना, उस तरफ मतलब जिधर से हवा आएगी तो वो विपरीत दिशा में जो है वो चली जाएंगे, है ना, ऐसा रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यौगिक है? ऑप्शन है ओजोन, डायमंड, संगमरमर या फिर जर्मन सिल्वर। तो फ्रेंड्स हमें क्या बताना है, यौगिक बताना है। तो 49 नंबर का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संगमरमर जो है वो एक प्रकार का यौगिक है, बाकी ओजोन, डायमंड और जर्मन सिल्वर जो है वो यौगिक की श्रेणी में नहीं आता है। आज का अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स, जल यौगिक है क्योंकि यह ठोस, द्रव या गैस के रूप में पाया जाता है, इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होती है, इसमें दो भिन्न तत्व रासायनिक बंधनों द्वारा जुड़े रहते हैं, या फिर ऑप्शन डी है, यह रासायनिक रूप से सामान्य पदार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जल यौगिक है, ठीक है, जल भी यौगिक है, लेकिन क्यों है ये हमें बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, इसमें दो भिन्न तत्व रासायनिक बंधनों द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए जल जो है वो यौगिक की श्रेणी में आता है। तो फ्रेंड्स ये था आप लोगों के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, उम्मीद है आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा, काम का लगा होगा, है ना। जैसे ये आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, ठीक है, और जो भी बातें रहेगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर करिएगा, है ना, और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मेहनत लगती है ना, काफ़ी मेहनत लगती है बनाने में, और आप लोग लगातार विश्वास जता रहे हैं चैनल के साथ, ये बहुत बड़ी बात है, है ना। तो ऐसी वीडियो और भी आएंगी तो हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए, और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से यदि आप नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द टीचर सी के साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।